हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय कुफेटेक चैनल। दोस्तों आज हम लोग कुछ कैमरे के बारे में कुछ बात करने वाले। तो प्रॉब्लम ये आया है कि दोस्तों बैक कैमरा मेरा चल नहीं रहा इधर, तो ये इसका प्रॉब्लम हम किस तरह से सोल्यूशन इसका करेंगे दोस्तों, यही आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, आपका अगर मोबाइल में कुछ थोड़ा भी मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वरना यार नहीं होता है तो आप लोग जानते ही हो, आप लोग डिसलाइक कर सकते हो। लेकिन कमेंट में कुछ ऐसी वैसी बात मत कह देना दोस्तों, क्योंकि यार ये कुछ मतलब हार्डवेयर भी प्रॉब्लम होते हैं मोबाइल में और कुछ सेटिंग के भी प्रॉब्लम होते हैं। तो मैं आपको कुछ यहाँ पर सेटिंग बताने वाला हूँ जिस तरह से आप लोग ये अपना कैमरा ऑन कर सकते हो। तो मेरा दोस्तों यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरा बैक कैमरा चल नहीं रहा है। तो सिंपल दोस्तों, मैं देखिए आपको कैमरे में चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि मेरा बैक कैमरा कुछ इस तरह से आ रहा है। तो मैं आपको अभी फ्रंट कैमरा यहाँ पर ऑन करके बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा फ्रंट कैमरा ऑन हो रहा है। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मेरा फ्रंट कैमरा ऑन हो रहा है, तो बैक कैमरे में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फर्स्ट तो हमें क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट तो पहले आप लोग सेटिंग में चले जाना है कैमरे के। तो यहाँ पर देखिए ऊपर 3 डॉट दिख रहा है आपके, कहीं नीचे पर यहाँ पर कहीं ऑप्शन होगा सेटिंग का, तो आप लोग चेक कर लेना आप लोग कहाँ पर आपका ये सेटिंग का ऑप्शन है। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेटिंग का एक लोगो आपको दिखाई देगा, ये देखिए सेटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंपल हम लोग सेटिंग के अंदर इंटर हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों सेटिंग में आप लोग जैसे यहाँ पर एक काम करना है आपको, देखिए नीचे आपको रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग ये ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोग ओके करेंगे, मतलब इससे क्या होता है दोस्तों, आपकी जितने भी कैमरे की सेटिंग अगर हल गई होगी या फिर सेटिंग इधर 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 उधर हो गई होंगी तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं अभी ये चेक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये अलाउ कर देता हूँ इसे, चलिए इसे भी ओके कर देता हूँ। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो और एक दूसरी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, उस तरह से आप लोग करते हैं तो शायद आपका मोबाइल ये 99% मतलब आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये सेटिंग होने के बाद हमें चलना है सिंपल सेटिंग में। तो चलिए एक सेटिंग का मैं दूसरा एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, इस तरह से शायद आपका ये मोबाइल हो सकता है दोस्तों। ये लेकिन ये ट्राई आप जरूर कर सकते हो, काफ़ी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाते हैं। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर हमें एप्लीकेशन ढूंढना है, एप्लीकेशन का एक नाम होगा जैसे कि मेरे इसमें देखिए ऐप्स नाम लिखा हुआ है। तो सिंपल मैं ऐप्स में क्लिक करूँगा, ऐप्स में जैसे ही क्लिक करूंगा दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग मैनेज ऐप्स करके ऑप्शन है यहाँ पर सेकेंड नंबर पे, तो आपके इसमें भी वही होगा मैनेज ऐप्स। तो चलिए इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों यहाँ पर हमें कैमरा देखना है। चलिए हम लोग कैमरा कहाँ पर है ये देख ले, ये देखिए कैमरा इस तरह पे, चलिए इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कैमरे की पूरी सेटिंग यहाँ पर मोबाइल की जितनी भी है ये दिखाई देंगी। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्लियर डेटा करके ऑप्शन है यहाँ पर नीचे, तो इसे हमें पहले क्लियर करना है। तो और क्लियर डेटा पे आप लोग क्लिक कर देना। चलिए यहाँ पर मैं ऑल डेटा क्लियर पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए ये वाला हो गया है हमारा दोस्तों। बस यही एक सेटिंग थी लास्ट वाले कैमरे की, अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो दोस्तों आपका ये मोबाइल ज़रूर हार्डवेयर प्रॉब्लम है या फिर कुछ एरर नाम आता है, तो उस तरह से भी आप लोग ये कर सकते हो। कुछ कैमरे में ओपन करने के बाद आपको तो पता ही होगा कुछ एरर मैसेज करके आ जाता है, कैमरा एरर या फिर कुछ अलग एप्लीकेशन नॉट सपोर्टेड, मतलब इस तरह से कुछ नाम आ जाते हैं। चलिए मैं अभी आपको कैमरा ऑन करके बता देता हूँ और चेक करेंगे हम लोग कि हमारा ये कैमरा ऑन हो रहा है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर मैं कैमरे में इंटर हो जाता हूँ। चलिए मेरा कैमरा ये देखिए इधर है। चलिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिए ये कैमरा बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग इसे अलाउ ओनली वॉल्स यूजिंग द एप्स, तो चलिए यहाँ पर ये देखिए, चलिए यहाँ पर इसे हम लोग ओके कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि मेरा बैक कैमरा चालू हो चुका है और फ्रंट कैमरा मेरा पहले से ही यहाँ पर चालू था, आप लोग देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर मैं अभी बैक कैमरा भी आपको चालू करके बता देता हूँ, ये देखिए दोस्तों। तो सिंपल है दोस्तों ये ट्रिक, अगर आपका प्रॉब्लम इससे सॉल्व होता है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में जिससे आपका नॉलेज बढ़ सके। चलिए दोस्तों बाय।